सोलन में आग लगातार अपना तांडव दिखा रही है। जहां एक और जंगलों की आग बेकाबू हो रही है, वहीं ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। सुखद बात यह है कि इसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लाखों की वन संपदा और निजी संपत्ति इस आग की भेंट चढ़ चुकी है। सोलन में आग लगातार अपना तांडव दिखा रही है। जहां एक और जंगलों की आग बेकाबू हो रही है, वहीं ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। सुखद बात ये है कि इसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लाखों की वन संपदा और निजी संपत्ति इस आग की भेंट चढ़ चुकी है। ये आग सोलन की हर दिशा में लगी हुई है, लेकिन दमकल विभाग भी मुस्तैदी से आग को बुझाने का कार्य कर रहा है। दमकल विभाग का सराहनीय कार्य ये है कि कम कर्मचारी होने के बावजूद भी करोड़ों की संपदा को खाक होने से बचा लिया है। अधिक जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी राजा राम ने बताया कि अभी तक सोलन में 27 बार आग लग चुकी है। इस आग में 9,06,000 रुपए की वन संपदा और 1,08,00,000 की कार इस आग की भेंट चढ़ी है। उन्होंने बताया कि अभी तक दमकल विभाग ने करीबन 5,04,72,000 रुपए की वन संपदा को जलने से बचाया है। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अच्छी घास के लालच में जंगलों को न जलाएं। राजा राम बागटा, फायर ऑफिसर सोलन। अभी तक हमारे जो है जून महीने में 27 केस हो चुके हैं, जिसमें जो है 9,06,227 रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, 8,20,000 की एक गाड़ी जल गई थी I-20 ब्लॉक में, और बचाई गई संपत्ति 5,04,72,000 रुपये है। और मैं सोलन वासियों से, ग्रामीण खासकर ग्रामीण लोगों से कहना चाहूँगा कि वो जंगल में आग ना लगाए, क्योंकि वो अपने थोड़े से घास की लालच में जंगल में आग लगाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो आग बुझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।